आप देख रहे हैं अपना समाचार। इस फिल्म का नाम है दिल मिल गए और मेरे साथ में है जय जी एंड शरद जी। तो अभी फिलहाल मेरा और जय जी का गाना शूट हो रहा है जी। ये भी जानना चाहेंगे कि मैं जब देख रहा था यहाँ जब शूटिंग चल रही थी काफी रिटेक भी हो रहे थे, कितना कुछ गुस्सा आ जाता है जब रिटेक कोई बोलता है तो उसे किस वे में लेते हैं आप? नो या पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है जब हम एक्ट करते तो कहीं ना कहीं हमारे पैर डिसबैलेंस होते हैं, हील प्रॉपर तरीके से नहीं कैर कर पाते हैं तो होता है, इसमें क्या हो गया। पर प्रॉपर सीन शूट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रीटेक होती तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा जी, रीटेक का मतलब ही होता है परफेक्ट टेक। जब तक रीटेक नहीं होगा तब तक परफेक्ट टेक नहीं हो सकता। मैं तो ये जब देख रहा था मुझे काफ़ी दोनों में काफ़ी एनर्जी दिख रही थी, मैं जय जी से जानना चाहूँगा कि रीतिका जी में कितनी एनर्जी थी? रितिका जी को तो मैं पिछले 8 से 10 सालों से जानता हूँ और दिन ब दिन इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे। मैं इनसे सीखती हूँ ये एनर्जी कैसे गेन करती हैं, कैसे बचा के रखती हैं। तो जब काम की बारी आती है तो बहुत एनर्जी रहती है इनके अंदर। जब हम देख रहे थे हमें तो ये दिख रहा था कि जय जी की एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं और रितिका जी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी क्योंकि जय जी ने शूज पहने थे, रितिका जी ने हील पहना था। तो थोड़ा बहुत 19-20 वो होता है और आप जगह भी देख रहे हो कि वो जगह किस टाइप की बनी हुई है। और मेरा मानना है अगर रिटेक नहीं होंगे तो आप एडिटिंग पे आपको ढूंढने पड़ते हैं, परफेक्ट टेक नहीं मिलेगा। अरे यार वन टेक हो गया यार, कुछ और होते तो हम वहाँ से ले लेते, तो ये चीजें भी होती है। एक्चुअली बहुत कुछ कॉस्ट्यूम बहुत कुछ आपके शूज पे भी डिपेंड करता है। जब आप गर्ल्स के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा कि कंपेयर टू बॉयज बहुत ज़्यादा कुछ संभालना होता है उनको, बिकॉज वो हील पहनती हैं तो वो पेंसिल हील होती है और उसके ऊपर डांस करना अगर हम लड़कों को दे दिया जाए तो शायद ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हम लड़के लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर रिटेक उसकी वजह से हो रहा है तो आई थिंक वो रिटेक नहीं होता है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसकी वजह से होता है, और रिटेक होता है वो अच्छी चीज़ अच्छे के लिए ही होता है। ये जानना चाहेंगे कि जो शूटिंग हो रही है जिस तरह का माहौल बना है, क्या माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ गाने का? देखिए जो शूटिंग हो रही है ये एक कॉलेज टाइप का सॉन्ग है जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बहुत सारा वेरिएशन आपको इस गाने में मिलेगा। एक होता है ना कि सिर्फ डांस डांस डांस, सिर्फ डांस नहीं है इस गाने में, इस गाने में मस्ती भी है, इस गाने में गेम भी है, इस गाने में क्या बोलते हैं रोमांस भी है, तो एक ही गाने के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। रितिका जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले 3-4 फिल्म जो देखी है आपकी उसमें सोलो आपका है, आइटम टाइप का सॉन्ग्स है, डांस है उसमें सोलो है, इस फिल्म में भी है कुछ सोलो ऐसा? नहीं इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, इस फिल्म में हम दोनों का साथ में ही है और सोलो इस फिल्म में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की एनर्जी थी दोनों में? अभी कुछ ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं होगा, बट मैं जब भी शूटिंग वहाँ रिहर्सल हो रहा था तो रिहर्सल में देखा कि शूटिंग के टाइम पे क्या होता है, शूटिंग के टाइम पे वहाँ से डबल हो गया, मतलब वहाँ जो रिहर्सल में हुआ उससे डबल यहाँ एनर्जी है। और ये दो तो पावर है, जय तो मतलब ऐसा कि कुछ भी करना है बस डांस ही करना है, और रितिका जग भी ऐसा लगा रितिका का भी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डांस का तो इनका बहुत ही अच्छा मोमेंट था, कोई चीज़ में उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, हर चीज़ पे इन्होंने एनर्जी दिया, बहुत अच्छा था इनका ये और अच्छा लगा जी। ये भी जानना चाहेंगे कि आज एक गाने की शूटिंग हो रही है, दो दो गाने हैं, तीन गाने हैं, कितने गाने हैं? एक ही गाना है, एक ही गाना है।
भोजपुरी में हम इस गाने को थोड़ा अलग टाइप का बनाना चाह रहे हैं और बस देखिए ये गाना बहुत अच्छा बना है, इतना सोच रही है देखिए किस लेवल पे बहुत अच्छा गाना है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि प्रॉपर वे में शूट किया जाए, प्रॉपर रिहर्सल किया जाए, प्रॉपर उसको प्लानिंग करके शूट किया जाए, उसमें क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग शूट किया जाए, इसलिए बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही सॉन्ग में आपको देखने मिलेगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, कितना कुछ अनुभव ले रहे हैं कि यहाँ रितिका जी है, यहाँ जय यादव जी हैं। सर सबसे पहले नमस्कार, मैं इस फिल्म में डेब्यू करने जा रहा हूँ और मैं जय जी को भी अच्छी तरह जानता हूँ और रितिका जी को भी अच्छी तरह से जान चुका हूँ और काफ़ी मतलब मुझे इन लोगों से इनको देख कर ऐसा मतलब हिम्मत मिला या फिर कितना फर्स्ट टाइम आपका कुछ एक ऐसा लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज आता नहीं हो फिर भी मैं इनको देख के काफ़ी साहस मुझे मिला और इनकी एनर्जी देखकर आई थिंक नहीं यार जब ये लोग कर सकते तो फिर मैं भी ट्राई कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छा मतलब फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और इससे मतलब जब मैंने सुना स्टोरी सुना और इस टाइम में जो कैरेक्टर था मेरा वो मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी जब फिल्म रिलीज़ होगी तो फिर आप लोग देखना, बहुत अच्छी कहानी है, पूरी पारिवारिक कहानी है और आप पूरा सारा परिवार देख सकते हैं। दर्शकों को आप बता सके आपके अपोजिट कौन सी हीरोइन होगी? मेरी अपोजिट तो बहुत ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं कर सकते हैं, हाँ बट सब एक दूसरे के अपोजिट है, सब एक दूसरे का अपोजिट। तो जय जी, ये मान के चले ये जो कहानी है, जो प्रेम कहानी बनेगी है, तो वो एक ट्रायंगल टाइप की लव स्टोरी होगी, उसमें सब कुछ होगा? नहीं है, चार लोग हैं तो चार टाइप, चार लोगों की लव स्टोरी है ये, एक्चुअली ये तीन की लव स्टोरी नहीं है, ये चार लोगों की लव स्टोरी है और इसमें आपको सस्पेंस बहुत दिखेगा, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको लगेगा कि यार अभी ये होने वाला है, आप एक्सपेक्ट कुछ करोगे होगा कुछ और। तो हम हर कोई कहता है कि हम बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट बनाने जा रहे हैं, कोशिश हम भी कुछ अच्छा करने की कर रहे हैं कि फैमिली भी देखे, इंटरटेनमेंट भी हो और आपको कुछ नया भी लगे, तो वैसी ही कोशिश है कि जब प्यार किसी से होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्यार में पाना, मेरे हिसाब से प्यार में देना होता है। एक परिवार को क्या दे सकते हैं आप, एक जिससे प्यार करते हैं उसको क्या दे सकते हैं आप, तो इसमें जो चारों करेक्टर है वो सेल्फिश नहीं है, कोई भी करेक्टर सेल्फिश नहीं है, हर करेक्टर इस फिल्म में ऐसा है कि जो प्यार में देना देने की चाह रखता है, उसको सिर्फ पाना नहीं है, देना ही देना है। तो ये मान के चले दर्शक इस फिल्म को इसलिए देखे कि ये प्यार तो है लेकिन सस्पेंस क्रिएट होते जाएगा, सस्पेंस खुलते जाएंगे, इसलिए दर्शकों को इसको देखना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस फिल्म में एक यूनिक चीज मिलेगा जो एक फैमिली भी करती है, यहाँ पे कोई विलेन नहीं है इस फिल्म में, न कोई हीरो विलेन है, न कोई हीरोइन विलेन है, न कोई फैमिली मेंबर्स विलेन है, न कोई फादर विलेन है, सिचुएशन निगेटिविटी पैदा करता है और सिचुएशन ही निगेटिविटी जो पैदा करता है वो फैमिली कैसे मिलके उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है, तो सारे जो करेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव करेक्टर्स हैं, जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, बट फिल्म का जो सिचुएशन है वो एक 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 करके सिचुएशन बनता जाता है और चीज़ें होती जाती है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये फिल्म देखिए कि आपको लगेगा कि बिना किसी निगेटिव करेक्टर के किस तरह से सिचुएशन निगेटिव होता है और किस तरह से अगर एक पूरा परिवार और एक एक पूरे दोस्त, एक फैमिली अगर एक हो तो हर सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा एक सोशल मैसेज ये जाएगा कि अगर किसी के साथ कुछ भी अगर गलती हो गया हो तो जब फिल्म लिखेंगे दर्शक तो उनको ये लगेगा कि काश हमारे साथ अगर ऐसा हो जाता तो आज हमारी लाइफ चेंज हो जाती। 99% लोगों के साथ होता है, मैं आई एम श्योर 99% लोगों के साथ होता है और 99% फैमिली वो करना चाहती है लेकिन सिचुएशन ऐसे नहीं बन पाते कि वो कर पाते, तो इस फिल्म को आपको देखने के बाद लगेगा कि काश इस प्रॉब्लम को मैं अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेता, काश मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम हुआ था वो मैं अपने फैमिली के साथ शेयर कर लेता तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। सर, ये आप रितिका जी और आप अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत पुराने फ्रेंड हैं, शायद ये एक कारण होगा कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है ऑन कैमरा। नहीं अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ पेयर हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने साथ में फिल्में बहुत करी हैं और एक दूसरे के पर कभी एक दूसरे के पेयर में नहीं थे, तो मैंने इस बार रितिका जी को स्पेशली रिक्वेस्ट किया, इनसे बोला कि आप अपना टाइम निकालिए, थोड़ा टाइम निकालिए, इस बार हम लोग साथ में काम करेंगे और एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया
अपना जो शूटिंग का टाइम था उसमें से टाइम निकाल के इस फिल्म के लिए इन्होंने टाइम दिया, और जब जब हमने बोला तब तक इन्होंने टाइम दिया, तो वेरी थैंक यू सो मच। रियली अच्छा लगा रितिका के साथ काम करके, और लोग काम करना भी चाहेंगे ये मेहनत देख के। और अभी आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो बोलेंगे यार इतने 8 सालों की दोस्ती पहली बार क्यों स्क्रीन पे इस तरह से आ रही है, पहले आना चाहिए था और आगे और भी आनी चाहिए फिल्में। तो होपफुली प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, अगर दर्शक हमें प्यार देते हैं, हमारे प्यार बिल्कुल देंगे, तो हम लोग तो कॉन्फिडेंट हैं। और दर्शक लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो देखें हमारी फिल्म को, अगर प्यार देते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हमें आई एम श्योर कि 100% रिपीट करेंगे बिल्कुल। जय जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी, आप चाहे जवाब दीजिए कि जय जी एक्शन में बहुत अच्छे कम्फर्ट होते हैं या रोमांस में कम्फर्ट होते हैं? मैं समझता हूँ रोमांस में ज़्यादा कम्फर्ट दिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से बताइए किसमें दिख रहे हैं। ये देखा जाए तो अगर जय यादव को का कंफर्ट जोन देखा जाए तो एक एक्टर के लिए कंफर्ट जोन तो सभी चीज़ें होती है। मैं एक्शन भी अच्छा करता हूँ, मैं रोमांस भी अच्छा करता हूँ, लेकिन अगर जय का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इमोशंस में मिलेगा। इमोशंस ऐसा नहीं कि मैं एक्शन अच्छा नहीं कर पाता या फिर रोमांस अच्छा नहीं कर पाऊँगा, कॉमेडी अच्छा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक दिल के करीब जो है वो इमोशंस, इमोशनल फिल्में होती हैं, जो इमोशन सीन्स होते हैं वो अपने आप में एक मेरे लिए कंफर्ट जोन जाता रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सबसे ऊपर हुआ है तो इमोशंस। रितिका जी आप अच्छी दोस्त हैं, आप बताइए सच बोल रहे हैं, ये चीज़ प्रॉपर है कि आपको क्या लगता है? नहीं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिकॉज हमने फिल्में तो की हैं, इनके इमोशन सीन भी मैंने देखे हैं, एकदम घुस जाते हैं उस सीन में। और इनकी एक आदत है कि आप इमोशनल भी बहुत अच्छा करते हैं, फाइट भी बहुत अच्छा करते हैं, एंड रोमांस तो आज आप लोग देख ही रहे हो, तो हर चीज़ परफेक्ट ही करते हैं। मैं जय जी से नहीं जानना चाहूँगा, आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप अच्छे दोस्त हैं, इतने साल बाद ये पेयर क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना? एक्चुअली वो समय नहीं आया होगा, और जब सही समय आया तो हमने साथ में काम किया, और हम चाहते हैं कि हम आगे भी काम करें और आपको कंटिन्यू हम दिखेंगे, ऐसा टेंशन नहीं। जय जी की सबसे बेस्ट बात बताइए। जय जी की सबसे बेस्ट बात ये है कि जय जी को कितना भी कुछ भी बोलो, जय को गुस्सा नहीं आता। और सारे लोगों को प्रेट करते नहीं तो, हाँ ये सबसे अच्छी, नहीं ये सबसे अच्छी आदत है इनके अंदर कि आप इनको बोल दो तो ये हमेशा ऑलवेज स्माइल करके बात, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, यही तो क्वालिटी है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर जय जी के अंदर। अच्छा मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आप रिवील कर सकते हैं, जय जी जब किसी और के साथ रोमांस करते हैं आपको जेलस फील होता है? ऑनेस्टली आंसर देना। नो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं भी तो दूसरों के साथ रोमांस करती हूँ ना, तो उनको तो ऐसा फील नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो और फिल्में करती तो डेफिनेटली उनकी हीरोइन अलग है, तो रोमांस तो करना ही पड़ेगा एज ए फ्रेंड। नो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बार बार कहते आया हूं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही है, प्लीज उन सभी फिल्मों को आप सपोर्ट करें, और सिर्फ यूट्यूब पे ही ना देखें, टीवी पर ही जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, और अगर जो भी फिल्में आप देखते हैं हमारी, अगर आपको उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें इस फिल्म में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा वैसा कुछ चीज़ ना करें। और जो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर उसमें लिखें कि ये चीज़ अच्छा लग रहा है, और आप हम कोशिश करेंगे कि बार बार वो चीज़ें करें, तो आप लोगों का ही सहयोग हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा सकती है और हम सब लोग को बढ़ा सकती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें।